जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता, तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। दो डॉट संगत और पंगत हो अच्छी, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा, जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। अधूरा ज्ञान घातक, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। चार डॉट दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। पांच डॉट हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, जैसे द्रौपदी। यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। छह डॉट जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।